आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। घिरोल में सब्जी विक्रेताओं का सब्र का बांध टूट गया। सब्जी विक्रेताओं के साथ सब्जी आढ़तिया लामबंद हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस की बर्बरतापूर्ण व्यवहार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, पुलिस सब्जी विक्रेताओं के साथ लगातार मारपीट कर रही है। कुछ सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पुलिस असभ्य भाषा बोलती है, मारपीट करती है, कांस्टेबल दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, बाजार में लोग जाने से डरते हैं, यदि मेन रोड से सब्जी वाला गुजरता है तो उसे पीट दिया जाता है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गलियों में जाने के लिए सड़क से तो गुजरना ही होता है और सड़क किनारे वाले लोगों को सब्जी देना गुनाह बन जाता है। लगातार पुलिस के अमानवीय व्यवहार से परेशान होकर सब्जी विक्रेता और आड़तिया पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा प्रदीप चौहान व वरिष्ठ भाजपा नेत्री उर्मिला चौहान के नेतृत्व में लामबंद होकर थाना प्रभारी के विरोध में सड़क पर उतर आए। सब्जी बेचते हैं, सम्मान नहीं बेचते, जैसे नारे लगाकर पुलिस प्रशासन का विरोध किया तथा थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जब तक थाना प्रभारी को हटाया नहीं जाएगा, तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। सब्जी विक्रेता शनिवार को गलियों में भी सब्जी लेकर नहीं गए। खास बात रही कि प्रदर्शन के दौरान सभी सब्जी विक्रेताओं ने मास्क गमछा लगा रखे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे थे। नगरवासी पूरे दिन सब्जी वालों का इंतजार करते रहे। जसवंत सिंह, क्या बात हो गई आपके साथ? सर, पुलिस वालों ने कल हमारे साथ मारपीट की। किस बात को लेकर? हम साहब ठेली लेके जा रहे थे गली में, तो उन्होंने रास्ते में रोक लिया हमको और मारपीट करने लगे बगैर पूछते हुए कि बोले रोड पे क्यों डोल रहा। मैंने साहब मैं तो गली में जा रहा हूँ, रोड पे कहाँ डोल रहा हूँ भाई, रोड से ही तो गली में जाना होगा मुझे। तो उन्होंने साहब मारा पीटा मुझे और थाने ले जाने लगे। फिर मैंने उनके साथ हाथ पैर जोड़े, तब तो बड़ी मुश्किल से छोड़ा मुझे। फिर आपका क्या कहना है, क्या विचार? अब हमारे विचार ये है साहब, हम लोग सब्जी नहीं बेचेंगे। हम अपनी मतलब सब्जी बेचते हैं, मान सम्मान नहीं बेचते साहब। नाम है तुम्हारा? फजल खान। क्या बात हो गई तुम्हारे साथ? सर, हम पहले दिन जब ठेला लगा के घर से निकल रहे थे सौदा लगाकर, तो वहाँ पे ऐसा साहब मिल गए यहाँ रास्ते में, तो उनने जिप्सी रोक के और तुरंत डंडे मारने चालू कर दिए। हमने कहा घर से निकले हैं, गलियों में ले जा रहे हैं, तो उनने हमारी बात नहीं सुनी, मारा पीटी चालू कर दी। उन्होंने बहुत तेज तेज से डंडे मारे और फिर हम घर चले गए लेकर ठेला। फिर दूसरे दिन आए तो वहाँ पर पुल पर उन्होंने फिर जिप्सी रोक ली, फिर हमको मुर्गा बनाया, फिर मुर्गा बनाते रहे धूप में, फिर हम फिर लेकर घर चले गए। तीसरे दिन फिर आए तो आप उनने हम पानी पीने लगे रुमाल हटाकर, तो उन्होंने बोला कि रुमाल क्यों हटाए हो, मास्क लगाओ मुँह से। मैंने कि सर पानी पिया था, प्यास लग रही थी, फिर भी उन्होंने फिर मुर्गा बना के फिर मारा डंडे। रोज़ मारते रहते हैं तो इससे कोई मतलब थोड़ी ना है, रोज़ पिटते रहते हैं हम लोग। बुरी बात है। आपका आगे के लिए हड़ताल जा रही है, हम सब्जी नहीं बेचेंगे। आप